हेलो गाइस, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का थर्ड केस पढ़ने वाले हैं। ओके, और अगर आपने पहले दो केसेस को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको एक लिंक मिलेगा वहाँ पे, जहाँ पे आपको इस चैप्टर का पूरा प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो। ये इस वीडियो सीरीज़ का चौथा वीडियो है, तो देखते हैं थर्ड केस क्या बोलता है। देखो हमें थर्ड केस क्या बोलता है यहाँ पे। यस, वेन द रूट्स आर इमेजिनरी। अगर आपको मान लीजिए इमेजिनरी रूट्स दिए हुए हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो रूट्स निकले हुए आपके, दैट इज अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। ओके, जो आपको रूट यहाँ पे रूट्स यहाँ जो निकले हुए, दैट इज अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आपको दिया हुआ है। तो उस केस में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा ई टू द पावर अल्फा एक्स, ई टू द पावर अल्फा एक्स इन टू सी वन इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू इंटू साइन बीटा एक्स। ओके, अल्फा क्या है, रियल पार्ट है, बीटा अपना क्या है, इमेजिनरी वाला पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर जो रियल पार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट डाल देंगे इंटू, यहाँ पे क्या है, एक ब्रैकेट ओपन रहेगा, सी वन इंटू कॉस बीटा एक्स जो भी आपका इमेजिनरी वाला पार्ट होगा। ओके, वहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस और यहाँ पे साइन जो दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है उसके कोएफिशिएंट में ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फोर टाइम्स वाई इक्वल्स टू जीरो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर, यहाँ पे क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू जीरो। अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीरो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पी आई सी एफ निकालेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स होता, ओके, यहाँ पे क्या होता, फंक्शन ऑफ एक्स होता, तो हम क्या करते, यहाँ पे पी आई भी निकालते हैं। ओके, तो फिलहाल तो हम पढ़ रहे हैं सी एफ निकालने के टेक्निक्स, पी आई के लिए अपन अलग से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो आप उसका क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हम क्या करेंगे, वाई का जो कोएफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर लेंगे और डी की जगह पे हम क्या करेंगे, एम लिखेंगे, दैट इज एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब यहाँ पे जो है इसको अपन इजिली तोड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट टू और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए वाले फॉर्मेट से अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, ये अपना क्या है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी इक्वल यहाँ पे क्या, देखो माइनस टू है तो माइनस बी, दैट इज प्लस टू प्लस माइनस रूट टू और ऑफ बी स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा फोर माइनस फोर टाइम्स ए, ए बताओ क्या होगा, एम स्क्वायर का कोफिशन दैट इज वन और सी क्या है बताओ, यहाँ पे फोर है तो फोर इंटू फोर क्या होगा, यहाँ पे अपना सिक्सटीन हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा टू ए, तो टू इंटू ए, ए अपना क्या है यहाँ पे वन है, तो ये अपना हो गया। ओके, तो इसको सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा प्लस माइनस, ये अपना क्या होगा माइनस ट्वेल्व। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, टू आ जाएगा। अब माइनस ट्वेल्व यहाँ पे लिखा हो तो माइनस, अगर मैं 12 को देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू थ्री हो जाएगा, तो 4 का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा बस, और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो रूट टू ऑर ऑफ माइनस वन अपना क्या होता है, आई होता है, रूट टू ऑर ऑफ माइनस वन अपना क्या होता है, आई होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे फर्दर, है ना, ये तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, प्लस माइनस यहाँ पे हो गया आई टाइम्स टू रूट थ्री हो गया अपॉन में टू। ओके, आई बात समझ में, इस टू को अंदर ले और क्या होगा अपना, ये टू अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये फोर हो जाएगा, फोर इंटू थ्री अपना क्या ट्वेल्व हो जाएगा। ओके, और ये रूट टू ऑफ माइनस वन क्या होता है, आई होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करिएगा, टू देखो कैंसिल करने के बाद हमको यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे वन प्लस माइनस आई रूट थ्री। ओके, ये हमको क्या मिलेगा, फाइनल वैल्यू मिलेगा। ओके, किसकी वैल्यू बताओ, एम का। ओके, एम को बताओ यहाँ पे रूट्स मिले कि नहीं, आप बताओ ये कैसे रूट्स हैं, ये अपने कैसे बताओ, रियल और इमेजिनरी वाला पार्ट यहाँ पे दिया होता, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी गेट इमेजिनरी रूट्स।
वी गेट इमेजिनरी रूट्स. तो यहाँ पे सी एफ की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी. सी एफ इक्वल्स टू हम यहाँ पे देखे थे क्या था बताओ, ई टू द पावर अल्फा एक्स. अल्फा की वैल्यू वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या होगी, वन हो जाएगी. देखो तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या वन है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा. फिर ब्रैकेट ओपन करो, सी वन लिखो, फिर देखो यहाँ पे क्या है, कॉस बीटा एक्स है, तो कॉस बीटा बताओ यहाँ पे क्या है, रूट थ्री है, तो दिस इज रूट थ्री एक्स. प्लस सी टू साइन ऑफ रूट थ्री एक्स, ये हो गया अपना. तो ये अपना क्या है, सी एफ की वैल्यू हो गई. तो हमको क्या चाहिए बताओ आप, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए किसका, इस इक्वेशन का. देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा बताओ, वाई इक्वल्स टू सी एफ एंड दैट इज इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स सी वन कॉस रूट थ्री एक्स प्लस सी टू साइन रूट थ्री एक्स. ये अपना क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा. थैंक यू.